हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डेटा के रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में, यानी कि डेटा को हम किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू डायग्राम्स हेल्प्स अस टू विजुअलाइज द होल मीनिंग ऑफ अ न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन एट अ सिंगल ग्लैंस। यानी कि जब भी हम किसी डेटा को ग्राफिकली या फिर डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो उस डेटा को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देयर आर वेरियस मैथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा बाई मीन्स ऑफ ग्राफ्स, कि डेटा को हम कई अलग अलग तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली थ्री टाइप के ग्राफ्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है बार ग्राफ, सेकेंड नंबर पर आता है हिस्टोग्राम और थर्ड यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ के बारे में। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज ग्राफ इन विच न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, या फिर आप कह सकते हो रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ। यानी कि ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड होता है किसी भी डेटा को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का, किसी भी न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का। और यहाँ पर हम बार्स या फिर रेक्टेंगल की हेल्प से उस डेटा को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। इन अ बार ग्राफ, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है द विड्थ ऑफ ईच बार कैन बी एनी, कि जो वहाँ पर हम बार्स को यानी कि रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं उनकी जो विड्थ है वो अपनी चॉइस से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बट विड्थ ऑफ ऑल द बार्स शुड बी द सेम। बट उन सभी बार्स की जो विड्थ होगी जिसको हम डिसाइड करेंगे, वो विड्थ सभी बार्स में एकदम इक्वल होनी चाहिए। देन द स्पेस बिटवीन कंसेक्यूटिव बार्स शुड ऑल्सो बी सेम, उन बार्स के बीच में जो गैप होगा वो भी एकदम इक्वल होना चाहिए। द हाइट और लेंथ ऑफ अ बार इज प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंट्स, उन बार्स की जो हाइट होगी या फिर आप कह सकते हो कि उनकी जो लेंथ होगी वो न्यूमेरिक वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हमें दी जाएगी, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी बार्स की लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, या वैल्यू जितनी छोटी, जितनी कम वैल्यू हमें दी गई होगी, जो बार्स बनाएंगे हम, जो रेक्टेंगल्स बनाएंगे, उनकी लेंथ या फिर उनकी हाइट भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस तरह से हम किसी भी बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो सबसे पहले जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स को मार्क करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि ग्राफ पेज के ऊपर, यानी कि जो ग्राफ का पेपर होता है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है या जिनके बीच का जो गैप है वो ऑलरेडी इक्वल होता है। तो आप एक एक बॉक्स को, यानी कि एक एक बार को यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी हाइट को या उसकी लेंथ को ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि जिसकी लेंथ, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी लेंथ को भी हम कम ही बनाएंगे। तो यहाँ पर इन सभी बार्स के बीच का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, बार्स की जो विड्थ है वो भी सेम होनी चाहिए, बट इनकी जो लेंथ है या फिर इनकी जो हाइट है वो डिपेंड करेगी न्यूमेरिक वैल्यू पर। इसके बाद जो सेकंड टाइप हमारे पास आता है ग्राफ का, वो है हिस्टोग्राम। अ हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स वन आफ्टर द अदर। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक्सरसाइज 14.1 में हमने रो डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट किया था। तो जब भी कोई डेटा हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दिया जाता है तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी हिस्टोग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर भी हम जो डेटा है उसको रेक्टेंगल या फिर बार्स की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव बार्स होते हैं या जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, यानी कि सभी कंसेक्यूटिव बार्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। द बेसिस ऑफ दीज रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास बाउंड्रीज, सो दीज आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो रेक्टेंगल का जो बेस होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो उनकी विड्थ होती है, ये यहाँ पर
शो करती है क्लास बाउंड्रीज को, यानी कि क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक को। तो इसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर शो करते हैं। द हाइट्स ऑफ दिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कॉरस्पोंडिंग मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेरिएबल ऑफ द क्लास बाउंड्रीज। जो रेक्टेंगल्स की हाइट होती है वो रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उन रेक्टेंगल्स की जो लेंथ है उसको हम उतना ही ज़्यादा ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से हम किसी भी हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास इंटरवल के लिए मार्क लगाते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, यहाँ पर होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, देन 15 से 20 एंड 20 से 25। यानी कि यहाँ पर 5-5 मार्क्स का गैप लेकर हमने क्लास इंटरवल बना दिए हैं। जो यहाँ पर क्लास साइज है वो 5 है, और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। तो हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम उसकी लेंथ को ड्रॉ करते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी लेंथ भी कम ही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी रेक्टेंगल्स या जितने भी बार्स हमने बनाए हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, वो सभी एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आफ्टर ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर जॉइंड बाय द लाइन सेगमेंट द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल इज जॉइंड टू द मिड पॉइंट ऑफ द अर्लियर इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस। Similarly, the midpoint of the top of the last circle is joined to the midpoint of the next interval on the x-axis. जैसे कि अभी आपको मैंने हिस्टोग्राम के बारे में बताया था कि अगर हम एक हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो अगर इन सभी रेक्टेंगल्स के टॉप के मिड पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन किया जाए, जैसे कि इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, और इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो इन सभी मिड पॉइंट्स को अगर हम एक साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के टॉप का मिड पॉइंट है उसको हम सेकेंड रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, एंड सेकेंड रेक्टेंगल के टॉप का जो मिड पॉइंट है उसको हम थर्ड रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं। देन इसी तरह से जो थर्ड रेक्टेंगल का टॉप का मिड पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट यानी कि फोर्थ रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो डायग्राम यहाँ पर बना है, जो फिगर यहाँ पर बनी है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आगे इसमें कहा गया है, If both histogram and frequency polygon are to be drawn, then it is advisable first to draw histogram and then join the midpoints of the tops of the rectangle of the histogram to get frequency polygon. तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमें हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना होता है, उसी के बाद हम उनके रेक्टेंगल्स के टॉप के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको एक साथ ज्वाइन करते हैं। But if only frequency polygon is to be drawn, then first represent the class marks along x-axis and frequencies along y-axis, and then plot the point corresponding to the frequency at each class mark. यानी कि अगर हमें केवल frequency polygon को ही draw करना है तो इस तरीके से हम उसको draw कर सकते हैं कि सबसे पहले x-axis के ऊपर क्लास इंटरवल को शो किया जाएगा, यानी कि इक्वल गैप पर कुछ पॉइंट्स मार्क किए जाएंगे, और वाई एक्सिस पर हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद यहाँ पर जिस क्लास इंटरवल की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के फ्रीक्वेंसी के सामने हम क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नंबर लिख रहे हैं 1, 2 एंड 3,
और फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 2 है तो 2 के सामने ही हम इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक मार्क इस तरह से लगा देंगे। एंड देन अगर सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 3 है तो जो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होगा ठीक उसके ऊपर वो 3 के सामने एक पॉइंट हम इस तरह से मार्क कर देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मानकर चले कि थर्ड क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है तो थर्ड क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उसी के ऊपर एंड 1 के ठीक सामने एक पॉइंट हम इस तरह से मार्क कर देंगे। और फिर अगर फोर्थ क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 है तो फोर्थ क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट है उसके ठीक ऊपर 2 के सामने एक और पॉइंट को हम मार्क कर देंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को 1 by 1 हमें ज्वाइन करना है इस तरह से, तो ये जो फिगर यहाँ पर बनेगी इस फिगर को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आगे इसी में कहा गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। यानी कि जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए आपको हर बार ही हिस्टोग्राम बनाना पड़े, आप बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। फॉर दिस वी रिक्वायर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल यूज्ड इन द डेटा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि क्लास इंटरवल्स का जो मिड पॉइंट है उसी के ठीक ऊपर एंड फ्रीक्वेंसी के सामने हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं एंड उन्हीं पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करके हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। दीज मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड क्लास मार्क्स। तो जो क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। जैसे कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा यानी कि इनका जो क्लास मार्क्स होगा, 0 से 10 का क्लास मार्क हो जाएगा 5, 10 से 20 में हो जाएगा 15 एंड 20 से 30 में हो जाएगा 25। तो इस तरह से ये उनके क्लास मार्क्स हैं यानी कि ये उनके मिड पॉइंट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3 जिसके अंदर हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।